धनुरासन, पहला पेटनी तरफ लेटी जाओ, हाथों ने शरीर ना बन्ने तरफ राखो, बन्ने घुड़ाओं ने वाड़ी ने कमर पासे लई आवो, अने पगनी पानी हाथों थी पकड़ो, छाती ने जमीन थी ऊपर उपाड़ी पग ने कमर तरफ लावो, हवे धीरे धीरे श्वास छोड़ो, तमारी पूर्व स्थिति मां पाछा आवी जाओ। आ आसन ना स्थिति मां शरीर धनुष बाण जेवू देखाय छे, एटले ज एने धनुरासन कहवाय छे। धनुरासन ना फायदा, रीढ़ नी हड्डी लचकदार थई जाय छे, हाथ अने पगना स्नायु मजबूत बने छे, नड़ी अने खबाना जकड़न ने दूर करे छे। चेतावनियों, गर्भवती महिलाओ आ आसन ना करता। अगर तमने हाय अथवा लो बीपी होए तो तमे आ आसन नहीं करता। माथानो दुखावो, गड़ानो दुखावो होए तो आ आसन थी दूर ज रहजो। चिन लॉक पोज, जालंधर बंद। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, अपने शरीर को सीधा रखिए और गहरी सांस लेकर सांस रोकिए। अब अपनी गर्दन झुकाकर चिन की हड्डी के नीचे जो छाती का भाग है उसे स्पर्श कीजिए, सांस को थोड़ी देर तक रोक लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। अब धीरे से सिर उठाकर पूर्व स्थिति में लौट आइए। इस आसन के फायदे, ये आसन गले के रोगों को दूर करने में मदद करता है, गर्दन की मांसपेशियों में रक्त संचार ठीक ढंग से होता है, रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा करता है। सावधानियां, सांस को सिर्फ उतनी देर तक रोकना जितनी देर आसानी से संभव हो, गले में दर्द हो या कोई और तकलीफ हो तो ये आसन ना करें, बलपूर्वक इस आसन को ना करें। लॉकस्ट पोज, शलभासन। अपने पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को बगल में रखें, अब सांस लेते हुए हाथ और पैरों को ऊपर उठाएं, इस अवस्था को बनाए रखें, सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को आप 5 बार दोहराएं। पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी कम करता है, शरीर को लचीला बनाता है, कमर दर्द कम करता है। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। कमर दर्द हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। पिरामिड पोज, अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए, दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार
दो या तीन फीट की दूरी रखिए। हाथों को अपनी पीठ के पीछे नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़े और शरीर को जमीन की तरफ झुकाएं। अब आपका सर आपके दाहिने घुटने के सामने होगा। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने सिर को उठाते हुए ऊपर आ सकते हैं। ये सारे स्टेप बाईं ओर से भी कीजिए। पिरामिड पोज के फायदे। पैरों को मजबूत करता है। रीढ़ की हड्डी, नितंबों और कलाइयों में खिंचाव लाता है। पाचन क्रिया में सुधार लाता है। दिमाग को शांत करता है। हाई बीपी और कमर दर्द से पीड़ित ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। हाथों में चोट है तो इस आसन से दूर रहिए। परिवित्त त्रिकोणासन। पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार दो या तीन फीट की दूरी रखिए। अब अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अब सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे को बाईं एड़ी से बाहर की तरफ जमीन पर टेक दें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रह सकते हैं। अब धीरे धीरे इस आसन से बाहर निकलकर पूर्व स्थिति में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। पैरों को मजबूत करता है, नितंबों में खिंचाव लाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पीठ दर्द को दूर करता है।
हाई बीपी वाले ये आसन ना करें। गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो तो इस आसन से दूर रहें।